नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लास में। दोस्तों, उत्तराखंड एसआई एग्जाम के लिए हमारी रीजनिंग की सीरीज चल रही है और आज है इसका नवा लेक्चर। आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं लेटर सीरीज को। तो सीरीज का ही एक पार्ट है लेटर सीरीज। इसमें यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, इस प्रकार से लेटर की सीरीज होती है और इसमें कुछ मिसिंग लेटर होते हैं जो आपको फिल करने होते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये बहुत ही डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन ये बहुत आसान है दोस्तों। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया है तो इस प्रकार के कितने भी प्रश्न एग्जाम में आ जाएं, आप बिल्कुल कम समय में बिल्कुल सटीक आंसर आप दे पाओगे। तो सुपर ट्रिक मैं यहाँ पे आपके लिए लाया हूँ लेटर सीरीज की। काफी महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है और इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के अगर आपको चाहिए तो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपने एग्जाम में देखे होंगे और ये है लेटर सीरीज के क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि एक सीरीज दी रहती है लेटर की, जिसमें कुछ लेटर मिसिंग होते हैं। जैसे इसमें चार लेटर मिसिंग है। अब ऑप्शन में चार चार के ग्रुप में दिए गए हैं और इसमें एक ग्रुप यहाँ पे इनमें क्या बैठेगा, फिट बैठेगा एक ऑप्शन। तो यही आपको बताना होता है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप एक बार ट्रिक समझ गए तो काफी महत्वपूर्ण ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और बहुत सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि तीन टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तीन, तो इन तीनों टाइप के क्वेश्चन इसमें ये तीन जो ट्रिक लगती है बड़ी ही सिंपल ट्रिक है और ये आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये श्रृंखला दी गई है। अब इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप आप ध्यान से यहाँ पे समझिए। फर्स्ट स्टेप क्या है, टोटल नंबर, टोटल नंबर आपको करना है। टोटल नंबर यानी टोटल इसमें कितने हैं, 1 2 3, मिसिंग नंबर भी आपको गिनने हैं, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल नंबर है 18। अब जब ये टोटल नंबर 18 है तो इसमें कितने के ग्रुप बन सकते हैं, देखो इसमें क्या है, या तो दो ग्रुप बन सकते हैं नौ नौ लेटर के, या तो तीन ग्रुप बन सकते हैं छह छह लेटर के, 3 6 18, 9 2 18, 3 6 18, या फिर छह ग्रुप बन सकते हैं तीन तीन के, तीन तीन के, तो 6 3 18, या तो फिर नौ ग्रुप बन सकते हैं दो दो के। आपको वो लेना है जो नजदीक है, जैसे 3 और 6 और 6 और 3 क्या है, नजदीक है। 2 और 9 इसमें बहुत ज्यादा गैप है, तो 3 और 6 का इसमें बन सकता है। मैं आपको कुछ संख्या बता देता हूँ, तो बता देता हूँ जिसमें मैक्सिमम ग्रुप बनते हैं। जैसे 18 में मैक्सिमम ग्रुप बनते हैं 6 का और 3 का, या तो 6 के 3 ग्रुप होंगे 6 3 18, या तो 3 के 6 ग्रुप होंगे 3 6 18। उसी प्रकार 16 में 4 4 के ग्रुप बनते हैं, 4 लेटर 4 ग्रुप, 4 6 16। 12 में बनते हैं 3 का और 4 का, 4 3 12, 3 6 12। तो इस प्रकार यहाँ पे जैसे 20 में क्या बनते हैं, 20 में 5 और 4 के ग्रुप बन सकते हैं, 5 6 20, 4 5 20। तो खैर इसमें हम देखते हैं टोटल 18 नंबर हैं तो हम ग्रुप लगाएंगे, या तो ये तीन तीन का ग्रुप बन रहा है, तो पहले हम यहाँ पे तीन तीन का ग्रुप चेक करते हैं। अगर इसमें तीन तीन का ग्रुप है तो ए बी तीसरा ही हो जाएगा, सी 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 तीसरा है, तीन यहाँ पे क्योंकि मिसिंग नंबर भी गिनना है, ठीक है। 3 यहाँ पे, 1 2 3 और 3। तो क्या अब जैसा पहला का पैटर्न है वैसे दूसरे का, तीसरे का, चौथा का है? तो जो पहला है, पहला क्या है यहाँ पे, ये वाला ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा। तो पहला है यहाँ पे ए बी और फिर मिसिंग है, दूसरा यहाँ पे सी सी सी, दूसरे में क्या है सी सी सी, तीसरे में क्या है ए मिसिंग बी, ए मिसिंग बी, और चौथे में क्या है फिर सी 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 है, सी सी सी। पांचवे में क्या है, पांचवे में है मिसिंग बी बी, और छठे में है आपका सी सी और मिसिंग। तो यहां पे देखो पहला जो पैटर्न था, पहला जो ग्रुप है उसका पहला लेटर ए है, दूसरे का पहला लेटर सी है, तीसरी का ए है, तो इसमें क्या है मैच नहीं हो पा रहा है। फिर पहले का दूसरा बी है और दूसरे का दूसरा क्या है सी है, इसका मतलब इसमें तीन तीन का ग्रुप ये नहीं बनेगा। अब हम ट्राई करेंगे छह छह का ग्रुप, तीन तीन का ग्रुप इसमें नहीं बन रहा है, अब हम ट्राई करेंगे छह का ग्रुप। तो क्या
छह के ग्रुप बनाने से इसका सटीक आंसर आ जाएगा। अब हम बनाएंगे छह छह ग्रुप। वैसे आपको ग्रुप हमेशा बड़ा बनाना पहले, ठीक है? एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार पांच छ, और एक दो तीन चार पांच छह ग्रुप बन गए। तो लिखो इसको ऐसा। अभी मैं आपको लिख के इसलिए बता रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। वैसे आप इसको यहीं पे कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं फिर आगे जब बढ़ूंगा आगे तो मैं यहीं पे उसको सोल्व कर दूंगा, लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है। आई मैं आपको समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ कि आप डिटेल्स में समझे, तब मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला ग्रुप ये हो गया, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। छह छह के छह लेटर है एक ग्रुप में। तो पहला ग्रुप एक दो तीन चार पांच छह ग्रुप आ गए, छह लेटर आ गए। दूसरे में क्या है, ए है, फिर मिसिंग है, और फिर है बी सी सी सी, बिल्कुल सटीक आपको नीचे लिखना है। और तीसरे में क्या है, मिसिंग है, फिर बी है, फिर बी है, सी सी, और फिर मिसिंग है। तो देखो पहला जो ग्रुप है उसका पहला लेटर ए है, दूसरे का पहला लेटर ए है, तो तीसरे का पहला लेटर क्या होगा, ए। पहले का यहाँ पे तीसरा लेटर मिसिंग है, लेकिन दूसरे का तीसरा लेटर बी है, तो यहाँ पे बी होगा, क्योंकि तीसरे का भी तीसरा लेटर क्या है, बी। अब दूसरे का यहाँ पे दूसरा मिसिंग है, तो पहले का जब दूसरा क्या है, बी है, इसका भी बी है, तो यहाँ पे बी होगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी होगा। तो हमने सबसे पहले भरा बी बी, फिर हमने ये वाला भरा बी, फिर हमने ये फिल किया ए, और फिर हमने ये फिल किया सी। तो बी बी ए सी, बी बी ए सी, इसका बी ऑप्शन होगा। तो बिल्कुल सटीक आंसर आ गया। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, ग्रुप बनाना है और इस प्रकार से करना है। अभी मैंने आपको डिटेल्स में समझाया, इसलिए यहाँ पे इतना टाइम लगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे मैं आपको इस आपको जो क्वेश्चन का आंसर है वो यहीं पे दे दूंगा, यहीं पे सोल्व कराऊंगा। लेकिन अभी आपको डिटेल्स में बताना है, ताकि आप पहले शुरुआत में डीपली समझ सकें। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा अलग अलग टाइप के। तो दूसरा है यहाँ पे, उचित विकल्प चयनित कर दी गई श्रेणी को पूरा कीजिए। अब यहाँ पे देखो ये पैटर्न, यहाँ पे केवल तीन लेटर क्या है, मिसिंग है। फिर गिनना है आपको, तो पहले टोटल कितने हैं। पहला स्टेप हमें से क्या है, टोटल एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, टोटल कितने हैं, 12। तो कितने ग्रुप बनेगा, या तो तीन का बनेगा चार ग्रुप, या चार लीटर का तीन ग्रुप बनेंगे, यानी 3 × 4 या 4 × 3। तो पहले हम तीन का बनाएंगे, तो क्या तीन का बन रहा है, तो एक दो तीन ये बन गया, फिर एक मिसिंग है दो तीन, फिर ये मिसिंग है दो तीन, तीसरा ही मिसिंग है, और ए भी ए। अब यहां पे देखो ये सही हो आगे, बिल्कुल यहीं पे आ गया आंसर। पहले का है ए बी ए, चौथे का क्या है, ए बी ए, यानी इसमें जो पैटर्न बनेगा वो ए बी ए का पैटर्न रिपीट हो रहा है, ए बी ए। तो यहां पे क्या होगा, ए बी ए होगा, यहां पे ए होगा, ए बी ए, यहां पे भी ए होगा, फिर यहां पे बी तो है ही, यहां पे भी ए होगा। तो हमने देखो यहां पे ए फिल किया, यहां पे भी ए फिल किया, यहां पे भी ए फिल किया, तीनों जगह हमने ए फिल किया, यानी इसका ए ऑप्शन आ जाएगा सटीक आंसर। यहां पे मैं लिख रहा हूं दोबारा, मैं इसको मिटा देता हूं, और मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं कि ये कैसा फिल हुआ। ये है ना, ए बी ए, फिर मिस था, फिर बी ए, फिर मिसिंग है, फिर बी है, फिर मिसिंग है, फिर ए बी ए। हमने तीन तीन का ग्रुप बनाया, तीन का ग्रुप बनाया हमने, चार ग्रुप बनाया हमने, तीन तीन के, तीन तीन लेटर के, फिर यहाँ पे एक, यहाँ पे एक दो तीन, और फिर तीन। तो पहला जो ग्रुप है वो है ए बी ए का, चौथा ग्रुप है ए बी ए का। तो पहला दूसरा तीसरा, इसका भी पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इस प्रकार से आप कर सकते हैं दूसरा तीसरा। तो दूसरा क्या है, बी, इसमें भी दूसरा बी है, इसमें भी दूसरा बी है, इसमें भी दूसरा बी है, इसमें तीसरा ए है, तो इसमें तीसरा ए है, इसमें भी तीसरा ए हो जाएगा, और इसमें पहला ए है, और इसमें भी पहला ए है, तो यहाँ पे भी ए और ए। तो हमने फिल किया ये वाला और ये वाला, तो तीनों यहाँ पे ए आ रहे। तो बस यही आपको ट्रिक इसमें अपनानी है। अभी जो मैं आपको सवाल करा रहा हूँ, जो मैं सवाल दो क्वेश्चन में करा चुका हूँ, ये है पैटर्न रिपीटेड संबंधी। इसमें पैटर्न रिपीट हो रहा है, कुछ में साइक्लिक मोड में आपको चलना होगा, वो सवाल अभी मैं आगे आपको कराऊंगा। पहले हम सभी सवाल पैटर्न रिपीटेड कर रहे हैं, जिसमें सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। अब इसमें देखो, इसमें सही क्रम हमें चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले वही है, सबसे पहले क्या करना है, टोटल कितने हैं, टोटल लेटर मिसिंग समेत, ठीक है, मिसिंग में आपको गिनने हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह 16 17 18, टोटल है 18।
मेरे साथ साथ आपको भी ये स्वयं हल करना है अगर आपको समझ में आ गया, क्योंकि ट्रिक तो इसमें सब में एक ही है लग रही है लगभग। पहले आपको टोटल गिनना है, टोटल हमने गिन लिए 18। अब 18 में ग्रुप बनेगा, या तो 3 लेटर का बनेगा, 3 लेटर का ग्रुप बनेगा, 6 ग्रुप, 3 6 18, या 6 6 लेटर के 3 ग्रुप बनेंगे, या 3 3 लेटर के 6 ग्रुप बनेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 3 लेटर के बनाते हैं 6 ग्रुप, अगर इसमें आ जाएगा तो सही है, नहीं तो 6 6 के बनाएंगे। 1 2 3, हमें यहीं पर तो आएगा 1 2 3, नहीं बन रहा है। देखो यहां पहला ए है, यहां पहला बी है, यहां पहला 1 2 3, यहां पहला बी है, ठीक है, तो ये नहीं बन रहा है, हम बनाते हैं सीधे 6 का। वैसे इसमें भी उसको आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम और इजी बनाने के लिए इसको 6 का बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6, 6 6 का बन गया। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब आपको समझाने के लिए मैं इसको यहां पे लिखता हूं, ए मिसिंग, क्योंकि वहां पे छोटा छोटा हो जाएगा, बी मिसिंग, 6 का ग्रुप बन गया, ए 2 में से यहां पे, और 3 ये है, फिर ए सी सी मिसिंग मिसिंग और ए, ये बन गया। अब यहां पे देखो, जो पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है, पहला का क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एग्जाम में आपको इसको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली और समझ गए। ये मैं आपको आपको समझाने के लिए, आपको इजी बनाने के लिए क्वेश्चन को यहां पे लिख रहा हूं, वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पहला है, यहाँ पे पहला है, यहाँ पे पहला है, सेम पैटर्न फॉलो होगा। अब दूसरा यहाँ पे, यहाँ पे दूसरा और तीसरा क्या होगा, तो दूसरा तीसरा यहाँ पे भी नहीं है, दूसरा तीसरा यहाँ पे है सी सी, तो दूसरा तीसरा यहाँ पे भी हो जाएगा सी सी और सी सी। चौथा पांचवा यहाँ पे बी बी है, यहाँ पे भी बी बी है, चौथा पांचवा, तो लास्ट वाले में चौथा पांचवा मिसिंग है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी बी। तो हो गया पैटर्न फॉलो, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, ए सी सी बी बी, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने फिल नहीं किया, तो छठा वाला क्या है, इसमें ए है, इसमें भी ए है, तो यहाँ पे भी ए होगा, तो ये पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। लेकिन हमने फिल क्या किया, हमने फिल किया, सबसे पहले हमने सी फिल किया, सी लिखा, उसके बाद हमने सी फिल किया, ये लिखा, उसके बाद हमने ए फिल किया, ए, उसके बाद हमने सी और सी फिल किया, सी सी, और उसके बाद हमने बी और बी फिल किए, बी बी, तो आंसर आ जाएगा सी सी ए सी सी बी बी, सी सी ए सी सी बी बी, डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। इसमें हमने क्या किया, 6 6 के बनाए 3 3 ग्रुप, 6 3 18, और ये हमारा पैटर्न ये फॉलो हो रहा है। देखो ये पैटर्न है ए सी सी बी बी ए का, ए सी सी बी बी ए, ए सी सी बी बी ए, तो इस पैटर्न को पूरा करने के लिए हमने डी ऑप्शन यहाँ पे क्या किया, फिल किया। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, पैटर्न रिपीटेड का, पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो एक और क्वेश्चन, दो और क्वेश्चन में आपको पैटर्न रिपीटेड ये करा रहा हूं, चौथा और पांचवा, और उसके बाद एक नए तरीके का हम सवाल करेंगे, नए तरीके का क्वेश्चन, जिसमें एक थोड़ा सा अलग ट्रिक लगेगी, हल्के से अलग उसमें ट्रिक आपको लगानी पड़ेगी, टोटल नंबर उसमें भी आपको करना है, लेकिन उसमें पैटर्न रिपीट नहीं होगा, उसमें अल्टरनेटिव भी पैटर्न रिपीट हो सकता है, यानी कंटिन्यूअसली पैटर्न रिपीट नहीं होगा, अल्टरनेटिव हो सकते हैं, यानी एक को छोड़ के दूसरा, फिर तीसरे को छोड़ के चौथा, यानी एक और तीसरे आपस में संबंधित होगा, दूसरा और चौथा आपस में संबंधित होगा, या साइक्लिक भी हो सकता है, जैसे ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी, इस प्रकार से भी हो सकता है। तो इस प्रकार के सवाल भी हम आगे करेंगे, अभी फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये यहाँ पे दिया गया है, और इसमें आपको क्या करना है, बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो मिसिंग लेटर है वो कौन सा ऑप्शन उसको फिल कर पाएगा। अब किसमें कितने हैं इसमें टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल इसमें 16, यानी ग्रुप बनेगा 4 और 4 का, 4 4 का, 4 6 16, वैसे 8 और 2 का भी बनेगा, 8 और 2 का भी बन सकता है, या 2 और 8 का भी बन सकता है, लेकिन ये क्या है, बहुत गैप है 2 और 8 का, मैक्सिमम मैंने आपको ऊपर ही बता रखा है जो बिल्कुल समीप है, जैसे 4 और 4, 4 6 16, 12 में क्या बनता है, 3 और 4 का बनता है मैक्सिमम। अगर वो नहीं हो रहा है फिर आपको ये ट्राई करना है, लेकिन पहले हम 4 4 का ग्रुप बनाएंगे, तो 4 4 का ग्रुप अगर हम बनाए हैं, यहीं पे बना लेते हैं इसको, हम यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 2 3 4,
एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, और लास्ट है बी ए। तो यहां पे देखो लास्ट वाला पूरा है ना, लास्ट वाला हमें पता है, तो 1 2 3 4 इसको पूरा कर लेते हैं। तो यहां पे इसका क्या है, हाँ इसका चौथा क्या है, ए है। इसका चौथा मिसिंग है, लेकिन इसका चौथा ए है और इसका चौथा भी ए है, यानी तीसरे का जो मिसिंग चौथा चौथा है लेटर है वो भी ए ही होगा। तो यहां पे हम ए भरेंगे, ठीक है। अब यहां पे तीसरा देखो, तीसरा बी है, इसमें भी तीसरा बी है, इसमें भी तीसरा बी है, इसमें तीसरा मिसिंग है तो यहाँ पे बी होगा। इसमें दूसरा देखो ए है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे भी दूसरा ए होगा, यहाँ पे ऑलरेडी ए है। पहला क्या है बी, तो पहला यहाँ बी होगा, यहाँ पहला बी होगा, और ये पैटर्न पूरा हो चुका है। पैटर्न क्या रिपीट हो रहा है, बी ए का ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। लेकिन हमने फिल क्या किया है, ये तो आपको ऑप्शन में नहीं देना है ना, हमने फिल किया देखो यहाँ पे बी 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 और फिर बी और बी, सॉरी बी और ए, बी और ए, और फिर ए फिल, और फिर ए, एक दो तीन चार पांच छह लेटर हमने फिल किए जिनका पैटर्न है बी 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 ए ए ए, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा बी ऑप्शन, बी 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 और ए ए ए, ये फिल किया। और फिर ये पैटर्न इसमें रिपीट हो रहा है, और ये पूरा क्या हो चुका है, कंप्लीट फिल हो चुका है। अब देखो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें भी टोटल गिनने हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16, टोटल है 16, यानी चार चार लेटर के चार को बनेंगे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, और एक दो तीन चार। तो पहला यहाँ आर है, तो यहाँ भी पहला आर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ ओ है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा ओ है यहाँ, दूसरा यहाँ भी ओ है, तो यहाँ भी ओ हो जाएगा और यहाँ भी ओ हो जाएगा। फिर यहाँ पे तीसरा एस है, यहाँ पे तीसरा एस है, तो यहाँ पे तीसरा एस हो जाएगा, और चौथा लास्ट में ई है, यहाँ पे भी ई है, तो यहाँ पे भी ई हो जाएगा। तो हमने क्या फिल किया, ओ आर ई फिर एस ओ, ओ आर ई एस ओ, ओ आर ई एस ओ, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ए आंसर। भाई इतना सा सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, और इसलिए इतनी जल्दी भी हो चुका है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये थोड़ी अलग तरीके के क्वेश्चन है, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो वैसे ही है वो, लेकिन इसमें जो ट्रिक लगेगी वो कुछ दूसरी है। ट्रिक आपको सेम फॉलो करनी है, लेकिन इसमें ये पैटर्न बिल्कुल क्या नहीं, कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे क्या है, ये अल्टरनेटिव पैटर्न है, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो ये यहाँ पे ये दिया गया है सीरीज, इसमें टोटल नंबर कितने हैं, पहले टोटल आपको गिनने हैं जैसे आप हमेशा करते हो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 12, टोटल है 12। अब ग्रुप बनेगा, या तो 3 का ग्रुप बनेगा या तो 4 का ग्रुप बनेगा। तो पहले हम बनाते हैं 3 का ग्रुप, हम वही कर रहे हैं, पहले 3 का बना रहे हैं फिर 4 का बना रहे हैं, अगर टोटल 12 है। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, और एक दो तीन। अब यहां पे देखो पहला क्या है, ए है, दूसरा तीसरा मिसिंग है, पहले यहां पे मिसिंग है, दूसरा मिसिंग है, तीसरा यहां पे बी है। यहां पे पहला मिसिंग है लेकिन दूसरा यहां पे बी है, तीसरा यहां पे बी है, तो यहां पे पहला और दूसरा ए है, तीसरा यहां पे मिसिंग है। तो यहां पे पहला ए है, यहां पे पहला ए है, ठीक है, लेकिन यहां पे दूसरा बी है, यहां पे दूसरा मिसिंग है, यहां पे दूसरा बी है, लेकिन यहां पे दूसरा ए हो चुका है। अभी कैसे हुआ, यानी ये पैटर्न ऐसा फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे तीसरा मिसिंग है लेकिन यहाँ पे तीसरा क्या है, बी है, यहाँ पे भी तीसरा बी है लेकिन यहाँ पे तीसरा मिसिंग है। कुल मिला यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो दूसरे समय पर चल रहा है कि यहाँ पे दूसरा बी है, यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे बी है, लेकिन यहाँ पे ए, इसका मतलब इसमें ये वाला पैटर्न तो नहीं होने वाला फॉलो। अगर हम 4 का बनाएंगे, अगर हम 4 का बनाएंगे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, और एक दो तीन चार, तो 4 का भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पहला ए है और यहाँ पहला क्या है बी है, ये वाला भी नहीं होने वाला है। इसका मतलब इसमें कुछ तो अलग है, बनेगा तो इसमें पैटर्न बनाना तो अपने वही है, पैटर्न बनाना है उसमें, लेकिन मतलब ग्रुप बनाना है आपको, लेकिन इसमें है क्या। तो पहले हम 3 का ही बनाएंगे, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा,
इसका पहला, इसका दूसरा और इसका तीसरा, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, इसका दूसरा और इसका दूसरा सेम है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे रिलेटिव करते हैं, तो यहां पे पहला ए है, तो यहां पे पहला ए डालते हैं, यहां पे दूसरा बी है, यहां पे दूसरा बी है, यहां पे तीसरा बी है, तो यहां पे तीसरा बी करो। अब यहां पे देखो, यहां पे तीसरा बी है, यहां पे तीसरा बी करते हैं, लेकिन यहां पे पहला दूसरा ए है और यहां पे पहला दूसरा ए कर देते हैं। यहां पे देखो, ए बी बी, ए बी बी और ए बी, यहां पे दो पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, ए बी बी का और ए बी का। जो पहला ग्रुप है वो संबंधित है तीसरे से, और जो दूसरा ग्रुप है वो संबंधित है चौथे से, यानी अल्टरनेटिव क्रमागत चल रहे हैं, पहला तीसरे संबंध है, दूसरा चौथे संबंध है, उसी प्रकार तीसरा दूसरा चौथे से संबंध है, चौथा होगा छठे संबंधित और तीसरा होगा पांचवें से संबंधित। तो पहला है यहां पे तीसरे से, फिर ये पांचवें से होगा अगर आगे ये ग्रुप बढ़ेगा, क्योंकि इसमें तो इतना ही, हमें तो इतना ही बताना है, हमारा आंसर तो निकल चुका है। और जो दूसरा है वो तीसरे चौथे संबंध है और फिर ये छठे से संबंध हो जाएगा, इसको कहते हैं अल्टरनेटिव पैटर्न है, तो इसमें भी पैटर्न। अब हमने क्या फिल किया, हमने पहले फिल किया बी, फिर हमने दो ए फिल किया, फिर हमने ए और फिल किया, और फिर हमने बी किया, तो बी ए ए ए बी, बी ए ए ए बी, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तो इस प्रकार भी क्या हो सकता है, आपका अल्टरनेटिव पैटर्न भी चल सकता है। अब तक सीधे वो क्या चल रहा था, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअसली पैटर्न चल रहा था, अभी यहाँ पे दो पैटर्न फॉलो हो रहे हैं और दो अल्टरनेटिव पैटर्न यहाँ पे क्या है, अल्टरनेटिव पैटर्न चल रहे हैं। तो इस प्रकार से भी क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर सातवां देख लेते हैं, इसमें भी लगभग वैसे हो रहा है। मैं आपको डिटेल समझाने के लिए पहले यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वो वाली ट्रिक फॉलो कर रहा हूँ जो मैंने पहले आपको बताई है, और ट्रिक आपको वही फॉलो करनी है, लेकिन आपको देखना है कि इसमें कंटिन्यूअस पैटर्न फॉलो हो रहा है या अल्टरनेटिव पैटर्न। क्वेश्चन नंबर सात है, वो आपको लग जाएगा, जैसे आप क्वेश्चन देखोगे आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें भी टोटल कीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसमें टोटल 20 ग्रुप बनेगा, या तो 4 का ग्रुप बनेगा या तो 5 का ग्रुप बनेगा। 4 का ग्रुप बनेगा, 5 ग्रुप बनेंगे, और 5 ग्रुप बनेंगे तो 4 ग्रुप बनेंगे, तो हम यहाँ पे बनाते हैं 4 का, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए सी ए सी, लास्ट का हमें पता है ए सी ए सी, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये है पांचवा। अब यहां पे देखो, अगर हम कंटिन्यूअस पैटर्न की बात करें तो ए सी, लेकिन यहां पे ए भी है, यानी ये और ये एक दूसरे से रिलेटिव नहीं है, फिर ए सी है और फिर ए भी है और फिर ए सी, यानी ये है अल्टरनेटिव। देखो ए सी, फिर यहां पे ए सी है और फिर यहां पे ए सी है, और दूसरा और चौथा का संबंध है, यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे भी ए बी। अब यहाँ पे देखो, पहला हम पहला करेंगे फॉलो, पहला है ए सी, फिर ए सी यहाँ पे तीसरा है, जो वो क्या है, खाली यहाँ पे स्पेस खाली, यहाँ पे हमने भरना है, तो तीसरा, क्योंकि पहला तीसरे संबंध है और पांचवें संबंध है, तो तीसरे में तीसरा ए है और पांचवें में तीसरा ए है, तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा। अब यहाँ पे पहले में चौथा सी है, तो यहाँ पे तीसरे में क्या आएगा, क्योंकि पांच में भी सी है, तो पहले में भी सी है, पांच में भी सी है, तो यहाँ पे भी सी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, दूसरा और चौथा आपस में संबंधित है, ए बी यहाँ पे फिल करना है, तो यहाँ पे तीसरा ए है, तो यहाँ पे भी तीसरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे तीसरा ए आ जाएगा, फिर यहाँ पे चौथा बी है, तो यहाँ पे भी चौथा बी आ जाएगा, और हमारा पैटर्न क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। अब ये जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ये हो रहा है ए सी ए सी और ए बी का, ए सी ए सी, ए बी, ए सी ए सी, चौथा है ए बी और पांचवा है ए सी ए सी। अब हमने क्या क्या फिल किया, हमने ए फिल किया ये वाला, फिर हमने दूसरा ए फिल किया, फिर हमने सी फिल किया, फिर हमने बी फिल किया, तो ए सी बी, यानी इसका ए ऑप्शन सही आंसर है। बस इसमें क्या हो रहा है, पहला दूसरे से नहीं बल्कि पहला
तीसरे संबंध है, तीसरा पांचवें संबंध है, दूसरा चौथे संबंध है, अगला स्टेप चौथे क्या हो जाएगा, छठे से संबंध हो जाएगा। अगर इसमें इसमें भी वही, अगर हम आगे भरना चाहते हैं, अगर कई बार अगर ऐसा आता है जो चार में है वही होगा छठे में, ए बी, और फिर सात में क्या होगा जो पांचवे में है, ए सी, और ये पैटर्न इसका लगातार चलेगा। लेकिन हमें आंसर मिल चुका है, हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सातवें का ए ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ये क्वेश्चन अगर इन क्वेश्चन की आपको पीडीएफ चाहिए, क्योंकि खुद आपको ये क्या करना है, क्वेश्चन एक बार रिपीट करना है, एक बार प्रैक्टिस आपको इनके करनी है, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल सटीक कर पाओगे। तो पीडीएफ दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसमें रीजनिंग के सभी टॉपिक कवर हैं, प्रत्येक टॉपिक के उसमें एमसीक्यूज दिए गए हैं, और विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में वो भी उसमें दिए गए हैं। तो लिंक आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उस ईबुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें एक थोड़ा सा अलग पैटर्न फॉलो होगा। ये यहाँ पे सीरीज दी गई, आपको क्या करना है, टोटल नंबर करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितने हैं, 15 है। पैटर्न फॉलो करना है, तो या तो 3 का बनेगा या तो 5 का बनेगा, 3 5 15 5 6 15, तो क्या बनाए हम बनाते हैं 3 का, 3 का फॉलो नहीं होगा तो फिर 5 का बनाएंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और ये बन गया। अब यहाँ पे पहला मिसिंग है, दूसरा बी और सी है, लेकिन यहाँ पे दूसरा क्या है, सी और ए है, यहाँ पे दूसरा क्या है, ए और बी है, दूसरा और तीसरा, और यहाँ पे दूसरा मिसिंग है, तीसरा सी है, यानी कंटिन्यूअस पैटर्न तो नहीं फॉलो हो रहा है। अब क्या अल्टरनेटिव हो रहा है, तो पहला मिसिंग है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, ये वन है, ठीक है। मैं आपको याद करने के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको याद दिलाने के लिए, तो पहला यहाँ पे पहले में दूसरा और तीसरा क्या है, बी सी है, लेकिन तीसरे में दूसरा और तीसरा ए बी है, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव भी फॉलो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज हो रही है, देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी सी, सी ए बी, सी ए, यहाँ पे साइक्लिक चल रहा है, ये चल रहा है बी और सी, ए बी सी, यहाँ पे होगा ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे बी से शुरू होगा, बी सी और ए, यहाँ पे आ जाएगा बी सी ए, अब यहाँ पे चलेगा फिर सी से, सी ए बी, सी ए और बी, सी ए बी, अब फिर चलेगा ए बी और सी, तो यहाँ पे ए और बी और सी, और यहाँ पे बी सी ए, देखो ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, फिर ए बी सी, बी सी ए, और आगे सी ए बी, तो यहाँ पे इस तरीके से क्या हो रहा है, पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये साइक्लिक चल रहा है ए बी और सी में, ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी, फिर ए बी सी, बी सी ए, देखो ये है ना, ए बी सी, ए बी सी, फिर बी सी ए, तो बी सी ए, और फिर सी से शुरू करेंगे सी ए बी, सी ए बी, फिर ए से शुरू करेंगे ए बी सी, फिर बी से शुरू करेंगे बी सी ए। अब हमने क्या फिल किया, हमने फिल किया ए, फिर हमने बी फिल किया, फिर हमने सी फिल किया, फिर हमने बी फिल किया, और फिर हमने बी फिल किया, ए बी सी बी बी, आपका हो जाएगा सही आंसर ए बी सी बी बी, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ये भी कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है, इसमें टोटल नंबर आपको गिनने हैं, तो इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 इसमें टोटल है, यानी ग्रुप बनेगा या तो 3 का बनेगा, 3 का ग्रुप बनेगा या 6 का ग्रुप बनेगा, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 3 की है, 3 का बनाते हैं पहले, अगर नहीं आएगा तो 6 का बनाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, क्या बन रहा है, पहले हम देखते हैं इसमें पैटर्न यूज हो रहा है, यहाँ पे दूसरा तीसरा बी सी है, यहाँ पे तीसरा ए है, यहाँ पे तीसरा सी है, यहाँ पे तीसरा ए है, यहाँ पे तीसरा ए है, लेकिन यहाँ पे तीसरा बी है, ये पैटर्न तो नहीं है, अल्टरनेटिव है क्या, पहला तीसरा पांचवा, पहला बी सी है लास्ट के, तीसरे का लास्ट का ए है, पहले का सी है,
और पांचवें का बी है। ये अल्टरनेटिव भी फॉलो नहीं हो रहा है, क्या साइक्लिक फॉलो हो रहा है? इसमें साइक्लिक भी नहीं लग रहा है, यानी इसमें छह का पैटर्न नहीं बनने वाला, इसमें हम बनाएंगे, सॉरी तीन का पैटर्न नहीं बनने वाला, इसका इसमें हम बनाएंगे छह का पैटर्न। एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार पांच छ यहां पे बनेंगे, ठीक है? फिर एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन, इसको यहां से हटा देते हैं क्योंकि छह छह का हम पैटर्न बना रहे हैं, ये बन गया है। अब यहां पे देखो, यहां पे दो दो आ रहे हैं, ए ए बी बी, सी 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 सी, यानी यहां पे कुछ तो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो क्यों ना हम यहां पे बी बी कर दें, बी बी सी सी, और यहां पे हो जाएगा ये ए ए, फिर यहां पे सी सी हो जाएगा, सी सी, फिर ए ए बी बी, ए बी बी सी सी। अब यहाँ पे क्या आंसर है, सही आ गया? देखो यहाँ पे हमने बी किया, फिर हमने ए किया, फिर हमने सी फिल किया, हमने ए फिल किया, यहाँ हमने बी फिल किया, बी ए सी ए बी, यानी बी ए सी ए बी, बिल्कुल सही आंसर आ गया। इसमें कोई टिक लगानी नहीं पड़ी इसमें हमने। यहाँ पे देखो सबसे आसान है, अगर आप क्वेश्चन को अपने ध्यान से देख लिया और क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ गया, ठीक है? जबकि यहाँ पे अगर मैं चाहता, अब यहाँ पे देखो कैसे फॉलो हो रहा है, ये बी बी फिर सी सी और फिर ए ए, यहाँ पे वैसे ही साइक्लिक चल रहा है, लेकिन ये साइक्लिक इतना लिखने से पहले ही माइंड में आ गया था कि यहाँ पे एक ग्रुप बन रहा है, बी बी सी सी ए ए, फिर सी सी ए ए बी बी, फिर ए ए बी बी सी सी। तो कई बार इस प्रकार से भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे पैटर्न है, इसमें हमें टोटल गिनना है पहले, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, इसमें है 20, यानी यहाँ पे बनेगा या तो चार का बनेगा या तो पांच का बनेगा, चार का बनेगा या तो पांच का बनेगा, हम बनाते हैं यहाँ पे पांच का, एक दो तीन चार पांच, फिर एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, और ये बन गया पांच। अब यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे पहला ए है, यहाँ पे पहला बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे तीसरा बी है, यहाँ पे तीसरा सी है, यहाँ पे तीसरा ए है। देखो बी सी ए बी, ठीक है, ये तो बन रहा है, यहाँ पे डबल सी है, यहाँ पे एक चीज फॉलो हो रही है कि यहाँ पे देखो एक दो तीन चार पांच लास्ट का रिपीट हो रहा है, पहला रिपीट हो रहा है, पहला यहाँ पे रिपीट हो रहा है, देखो पहला यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, इस ग्रुप में भी पहला रिपीट हो रहा है, तो क्यों ना हम इसमें भी पहला रिपीट करें, तो ए ए, ठीक है? अब यहाँ पे लास्ट का रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लास्ट का रिपीट करते हैं ए ए, फिर यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे बी भी हो जाएगा और यहाँ पे सी सी हो जाएगा, और मिड का यहाँ पे क्या है, सिंगल सिंगल है, बी सी, यहाँ पे क्या है, देखो पहला तो हमने यहाँ पे रिपीट किया ही नहीं, ए ए बी बी सी सी ए ए, फिर मिड का सिंगल सिंगल है, बी ए ए और बी, और लास्ट का सी सी ए ए बी बी और सी सी। अब हमने क्या फिल किया, हमने फिल किया ए, फिर हमने फिल किया यहाँ पे बी, फिर हमने फिल किया ए, फिर हमने फिल किया बी, और फिर हमने फिल किया सी, यानी 10 का हो जाएगा यहाँ पे ए बी सी, ए ऑप्शन। इसमें क्या बनना है, इसमें ये पैटर्न रिपीट हो रहा है ए बी सी, लेकिन इसमें जो पहला है ये क्या हो रहा है, ये दो बार आ रहा है, दो बार, और लास्ट वाला भी दो बार आ रहा है, और मिड वाला एक बार आ रहा है। देखो पहला ए फिर बी और फिर सी सी, फिर बी से साइक्लिक बनेगा बी सी और ए, यानी बी सी ए, लेकिन बी दो बार आ गया पहला, मिड का एक बार आ गया, और फिर लास्ट का ए दो बार आ गया। इस प्रकार ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, और इसमें इसका हो जाएगा 10 का ए ऑप्शन। कुछ और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी पहले टोटल गिनेंगे, तो टोटल इसमें आ रहा है 12, 12, यानी या तो चार का ग्रुप बनेगा या तीन का ग्रुप बनेगा, तो चार का बनाते हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, बन गए। अब यहाँ पे देखो बी मिसिंग ए बी, मिसिंग फिर ए मिसिंग और बी बी ए,
फिर लास्ट का भी है, तो यहां पे लास्ट का भी है और तीसरा मिसिंग है। तो यहां पे पहला ए है, यहां पे पहला ए है, तो यहां पे पहला हम बी भर लेते हैं, ठीक है। यहां पे दूसरा मिसिंग है, लेकिन यहां पे दूसरा है, यहां पे भी दूसरा क्या है, ए है, तो यहां पे दूसरा ए कर लेते हैं। तीसरा चौथा, तीसरा ए है, तो यहां पे तीसरा ए कर लेते हैं, और यहां पे भी तीसरा ए कर लेते हैं। तो बी ए ए बी, बी ए ए बी, बी ए ए बी, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, बी ए ए बी। लेकिन हमने फिल क्या किया, हमने फिल किया ए, फिर हमने बी फिल किया, फिर हमने ए फिल किया, और फिर हमने ए फिल किया, तो बी सॉरी ए बी ए, ए बी ए, यानी इसका 11 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहां पे श्रृंखला में अगला अक्षर कौन होगा, ये तो खैर अलग टाइप का, ए फिर ए बी फिर ए बी सी, फिर सी के बाद डी बढ़ गया, फिर डी के बाद ई बढ़ गया, फिर एक ई के बाद यहां पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ए बी ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई एफ, यहां पे इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जितनी आप क्वेश्चन करोगे दोस्तों, इसलिए मैं आपको इतने क्वेश्चन करा रहा हूं यहां पे, ताकि आपकी प्रैक्टिस अधिक से अधिक हो सके। अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन करने हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर ये पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएंगे, और उस पीडीएफ में टॉपिक वाइज एमसीक्यू रीजनिंग के सभी टॉपिक उसमें रखे गए हैं, तो काफी महत्वपूर्ण ई बुक आपके लिए होने वाली है। तो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, यहाँ पे टोटल इसमें कितना है, टोटल है 16, कितना है टोटल 16 है। यहाँ पे थोड़ा इसको सही कर देते हैं, तो टोटल ये 16 है। अब बनाते हैं हम यहाँ पे, या तो देखो 16 में तो चार का ही ग्रुप बनेगा, मोस्टली प्रोबेबिलिटी यही है चार का ग्रुप बनेगा, एक दो तीन चार, चार एक दो तीन चार, चार और एक दो तीन चार, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, बी सी ए, देखो बी सी ए, तो बी सी ए आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे लास्ट क्या है, लास्ट यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, और यहाँ पे भी ए है, तो यहाँ पे लास्ट ए होगा, तो बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए और बी सी ए ए, हमने फिल किया क्या, हमने फिल किया ए सी ए बी, ए सी ए बी, ए सी ए बी कहाँ है, ये तो है क्वेश्चन नंबर 13 का ए, तो यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन इसमें कितने हैं टोटल, इसमें है टोटल क्वेश्चन नंबर 14 में, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह 16, टोटल कितने हैं 16 है, तो 16 में चार चार का ग्रुप बनेगा, एक दो तीन चार, यहाँ पे एक बार इसको क्लीन कर देते हैं। अब बनाते हैं चार का ग्रुप, एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन चार, फिर यहाँ पे बनेगा चार और ये बन गया चार, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, आर टी यू, आर टी यू, आर टी यू, और लास्ट में है एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस और आर टी यू एस, ये बन गया पैटर्न। हमने फिल किया आर एस यू आर टी एस, आर एस यू आर टी एस, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, आर एस यू आर टी एस, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। दोस्तों तो लेटर सीरीज संबंधी हमने बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे किए, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे कराए, और क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। मैंने यहाँ पे आपको कुछ माध्यम बताए, कुछ मेथड्स बताए आपको यहाँ पे, कि किस मेथड के माध्यम से आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल सटीक आप कर पाओ। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।